खरगोन जिले के ग्राम खेगांव व ग्राम काकरियाव के नाविकों का नाव चलाने को लेकर विवाद हुआ। हालांकि बाद में आपसी समझाइश से मामला निपट गया। ग्राम खेगांव के कमल केवट का कहना है कि यह घाट हमारा है, इसमें हम ग्राम खेगांव के केवट पहले से ही नाव चलाते हुए आ रहे हैं। बलिराम केवट तो लगभग 15 से 20 साल से नाव चला रहा है और बलिराम केवट के ऊपर तंज कसते हुए बताया कि इसका लाइसेंस नहीं बनना चाहिए था। वहीं जब ग्राम काकरियाव के ग्रामीणों से पूछा गया तो ग्रामीणों का कहना है कि हमने मिलाकर बलिराम केवट को ग्राम काकरियाव से खेगांव नर्मदा नदी पार करने के लिए नाव चलाने को तैयार कर उसका लाइसेंस सर्वसहमति से ग्राम पंचायत फनगांव, जो कि हमारे ग्राम काकरियाव के अंतर्गत आता है, हम ग्रामवासियों को नर्मदा नदी पार करने में बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए हमने बलिराम केवट को नाव चलाने का पंचायत द्वारा लाइसेंस बनवाया था। इसमें हम सब खुश है कि बलिराम को भी नाव चलाने का प्रमाण पत्र मिल गया और हम ग्रामीणों का यह मत है कि यह दोनों पार्टी आपस में मिलकर नाव चलाए व यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नाव चलाए। यही बात की संतुष्टि के लिए जब ग्राम काकरियाव के ग्राम सचिव जतेंद्र वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बलिराम को जो लाइसेंस दिया है उसमें कोई फर्जी नहीं है, वह हस्ताक्षर मेरे ही है। मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारी से प्राप्त आदेश के आधार पर मैंने बलिराम को नाव चलाने का प्रमाण पत्र दिया है। यह हमारा पूर्वजों का अधिकार है, पीढ़ी दर हमारे अधिकार में हम नाव चलाकर हमारा परिवार का पालन पोषण करते हैं और इस बीच में बलिराम भाई केवट ने जबरदस्ती नाव डालने की कोशिश कर रहा है और हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, जबकि इसका कोई है ही नहीं। 15 साल से ये जबरदस्ती नाव चला रहा है। इसके पास लाइसेंस नहीं है क्या? इसके पास लाइसेंस पंचायत के द्वारा नहीं है, इसने फर्जी लाइसेंस बनवाया है, सरपंच और सचिव की साइन करवाई है और लाइसेंस जारी किया है। ना तो सरपंच, बिना सरपंच की अनुमति से ये लाइसेंस जारी हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे अधिकार का हमें लाभ देवे, किसी अन्य नाविक को न तो लाइसेंस जारी करे और न ही हमारे अधिकार का हनन करे। आपको लाइसेंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? हमें लाइसेंस ग्राम पंचायत भामपुरा से पंचायत पर हुआ है। कहीं नहीं है सर, मामला ये है जैसे उन लोगों ने दो लोगों का लाइसेंस पहले से बनवा लिया, जैसे नाव का खेड़ी में नाव डूबी थी तो शासन प्रशासन ने लाइसेंस का एक नियम जिसमें नौ सवारी और एक चालक के साथ 10 सवारी बिठाने का प्रावधान बनाया है। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद अभी 1-1.5 महीने से कार्रवाई चल रही थी लाइसेंस की। अच्छा, लाइसेंस बलिराम केवट पिता टीकाराम केवट का बन गया है। अच्छा, उसी बात को लेकर विवाद चल रहा था कि भाई लाइसेंस नहीं है, इस वजह से नाव को उस पास जाने नहीं दे रहे थे और वहाँ बांध दिया करते जी। ये 2 बार करा उन्होंने, 2 बार नाव को बांध दिया। और गांव वालों का ये मानना है कि सभी चलाए शासन प्रशासन के नियमों से चलाए और कोई विवाद ना हो, विवाद की स्थिति ना बने। अच्छा, तो बलिराम भाई का भी लाइसेंस बन गया है, वो भी सबसे प्रेम से भाव से नाव को चलाए, सवारियों को व्यवस्थित पार उतारे। और विपक्ष को भी मेरे हिसाब से ये बोलना चाहूँगा कि कोई वाद विवाद की स्थिति ना बनाए और वाद विवाद ना करें। और बलिराम केवट पिता टीकाराम केवट को कम से कम 20 साल का अनुभव है नाव चलाने का और 20 साल से कार्यरत वो सेवा दे रहे हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ कोई विवाद ना हो और कोई आपत्तिजनक कोई ऐसा मामला ना हो इसके लिए, और सारी जांच पड़ताल करके भाई को भी लाइसेंस शासन ने प्रदान कर दिया है। ग्राम काकरियाओं की नाव चल रही थी, सबसे पहले ग्राम काकरियाओं की नाव चल रही थी। काकरियाओं को बलिराम केवट को करीब से करीब 25 वर्ष पहले गांव वालों ने रखा था। 25 वर्ष से ये नाव चला रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पूरे गांव का सहयोग था इनको, पूरे गांव को ये सारी घाट को व्यवस्थित सुधारने में बलिराम का पूरा योगदान रहा। घाट को ज़्यादा आवागमन करने में बलिराम का हाथ था कि बलिराम ने सेवा समय समय पर सेवा दी, लोगों को कोई तकलीफ आने जाने में नहीं हुई। उसके बाद में जो प्रशासन ने लाइसेंस का नियम निकाल लिया, कोई करे थाने से फ़ोन आया कि भाई बलिराम तुम्हारा लाइसेंस नहीं, नाव बंद की जाए। बलिराम को
हम गांव वाले ने बोला कि भाई तू नाव बंद कर दे, तेरा लाइसेंस नहीं है। 12 वालों का लाइसेंस था, उसके बाद बलिराम को भी लाइसेंस शासन ने दे दिया। शासन तरफ से हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद नाव चलने लगी, ये दो भाई आपस में मिल भी गए, बलिराम को इन्होंने हटा दिया, बलिराम की नाव को बंद करवा दी। हम गांव वाले किस नाव से उतरेंगे, हमारे तो गांव की नाव है। उसके बाद इनका विवाद चालू हुआ, उधर नाव बांधी। नाव बांधने के बाद महिलाओं को भी ले आए, सबको ले आए, नाव को रखी, दो रोज दो बार इन्होंने ऐसी घटना की। उसके बाद हमने वापसी नाव को चालू की, अभी नाव चल रही है। और हम हाथ जोड़ के बार वालों भाइयों से निवेदन करके आपस में मिलजुल कर खाओ। माता पच्ची यही है सर कि दोनों नाव चल रही थी, पार की चल रही थी, इधर की भी चल रही थी जी। लेकिन कुछ आपसी लड़ाई में उधर वाले नाव वालों ने कई लाइसेंस बनवा लिया और वो बोल रहे कि पार वालों के पास लाइसेंस नहीं है, फिर आपत्ति लगा दी। वो आपत्ति में इनके झगड़ा चलता रहा। फिर जो इधर से बलिराम भाई केवट है, उन्होंने बोला कि मेरे पास भी लाइसेंस है, मेरा भी बन गया, तो उन्होंने भी बनवा लिया लाइसेंस। उधर भी पार भी लाइसेंस बन गया, इधर भी बन गया। प्रशासन भी बोल रहे कि जिनके पास लाइसेंस वो चलाओ, दोनों चलाएगी, प्रशासन भी सबके साथ है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपसी लड़ाई फिर क्या है, वही मतभेद चल रहा है। बाकी प्रशासन ने दोनों को चलाने की अनुमति दे दी। दोनों को चलाने के मामले में गांव की जनता का क्या रुख है? गांव की जनता का यही रोध है कि सभी मिल के चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस है तुम भी चलाओ, उनके पास लाइसेंस है वो भी चलाओ, गाँव पंचायत से कोई रोकथाम नहीं है।